बेटा हम स्टार्ट करें जो आज वो मैथ सेकंड ईयर है, चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3। तो उसमें ना जो मैंने क्वेश्चन 1 पढ़ा रहा हूँ उसमें लिखा हुआ मैक्सिमाइज। फरहान हैदर काफी दिनों बाद आ रहा है जी, मैक्सिमाइज दो बता दूं क्या चीज है। तो ये जो वैल्यूज है ये फंक्शन दिया हुआ है, इसी फंक्शन में हमने मैक्सिमम पॉइंट फाइंड आउट करना है और मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट करना है, वो बात की बात हम क्या करेंगे। पहले जो इनइक्वालिटी दी हुई है वो ये वाली है, ये दो इनइक्वालिटीज हैं, एक है इक्वेशन नंबर 1 इनइक्वालिटी नंबर 1, एक इनइक्वालिटी नंबर 2। तो अब आप यहां देखेंगे एसोसिएट इक्वेशन, इधर देखें एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज आर क्या है जी, 2x 2y माइनस x इज इक्वल टू 8, एक्स माइनस वाई इक्वल है 4, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 4। तो यहां क्या आएगा, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, जब एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना होगा पुट क्या करेंगे, वाई इज इक्वल टू 0 कर देंगे, y को 0 पुट करना है हमने। तो यहां देखो माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, 0 माइनस एक्स इज इक्वल है 8 और x इज इक्वल है माइनस 8 के। फॉर y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट में क्या करेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 के, x 0 पुट करेंगे, जब x 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2y माइनस ये देखो 8 आ गया। तो यहां देखो 2y इज इक्वल टू 8 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ये देखो जी ये पॉइंट्स ऑफ ग्राफ हमने फाइंड आउट कर लिए जी। तो अब आप यहां ये लिखेंगे इसमें द पॉइंट्स ऑफ ग्राफ आर, इधर देखें जी द पॉइंट्स ऑफ ग्राफ ऑफ 1 आर, वो कितने हैं पॉइंट्स ऑफ ग्राफ, माइनस 8 0, वो है माइनस 8 0 एंड 0 4 के। ये देखें व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू 0, जब एक्स भी 0 होगा वाई भी 0 होगा इन 1, उसे 1 में पुट कर देंगे, उसे 1 में एक्स भी 0 होगा पर वाई भी 0 होगा। तो ये 1 कौन सा है जी, वो ये वाला 1 है जी। तो ये क्या बताता है जी, 2 इज इक्वल टू 0, 0 लेस देन इज इक्वल टू 8, 0 लेस देन इज इक्वल टू 8 आ गया। ये आएगा इनवर्ट ग्राफ, ग्राफ ऑफ 1 इज इनवर्ट द ओरिजिन। तो ये इनवर्ट द ओरिजिन है जी, ये इनवर्ट द ओरिजिन है। अब हम ना ये देखें, ये करते हैं जी फॉर, इधर देखें फॉर एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना हो तो आप पुट करेंगे वाई की वैल्यू जो होगी वो 0, जब वाई 0 होगा तो ये देखें एक्स भी 4 आ जाएगा। इधर देखें फॉर वाई इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट में क्या करेंगे पुट x इज इक्वल टू 0, जब x 0 पुट करेंगे तो यहां के पास आएगा 0 माइनस y इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू आएगी माइनस 4। तो ये आ गया जी पॉइंट्स ऑफ ग्राफ ऑफ 2r, इसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जी, 4 0 0 माइनस 4, 4 0 0 माइनस 4, ये आ गया पॉइंट्स इसके। तो अब हमने क्या करना है, उसी में ही पॉइंट पुट करना है। ये देखो जी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू 0 इन टू 0 माइनस 0 लेस देन 4, 0 लेस देन इज इक्वल टू 4, ग्राफ ऑफ 2 is, ग्राफ ऑफ 2 is,
तो ये लेस देन है तो इसे बोला जाता है इनवर्ट द ओरिजिन, ये भी इनवर्ट द ओरिजिन है जी। दोबारा जरा गौर से देख लीजिएगा, मैंने वो काम जो आपको मैंने बताया था, इनइक्वालिटी नंबर वन, इनइक्वालिटी नंबर टू, आपने इसको इक्वेशन बनाया, इसको इक्वेशन बनाया, एक्स इंटरसेप्ट में वाई जीरो पुट कर देंगे, वाई जब वाई जीरो पुट कर दिया इसमें तो माइनस एक्स इज इक्वल टू एट एक्स के लिए माइनस एट आ गए, जब वाई इंटरसेप्ट में क्या करेंगे एक्स जीरो पुट कर देंगे, टू वाई इज इक्वल टू एट, वाई इज इक्वल टू फोर आ गया। तो पॉइंट्स ऑफ ग्राफ कितना होता है जी, माइनस एट जीरो और जीरो फोर, माइनस एट जीरो जीरो फोर ये आ गया। तो एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो, जब एक्स भी जीरो पुट कर देंगे वाई भी जीरो पुट कर देंगे पर कर देंगे इसमें तो जीरो लेस देन एट, तो ग्राफ ऑफ वन इज इनवर्ट द ओरिजिन, क्या आएगा इनवर्ट द ओरिजिन। आगे यहां आगे जरा देखिए, फॉर एक्स इंटरसेप्ट वाई को जीरो पुट कर देंगे तो एक्स की वैल्यू फोर आ गई, फॉर वाई इंटरसेप्ट एक्स को जीरो पुट कर देंगे तो माइनस वाई इक्वल टू फोर, वाई के लिए माइनस फोर आ गई है। तो पॉइंट्स ऑफ ग्राफ कितना आएगा, फोर जीरो जीरो माइनस फोर ये आ गया जी। एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो, टू में पुट कर देते हैं, जब पुट कर दिया तो जीरो लेस देन इक्वल टू फोर, तो ग्राफ ऑफ टू इज इनवर्ट द ओरिजिन। ये अब हम ग्राफ की तरफ आ जाते हैं जी, जब हम ग्राफ की तरफ आएंगे जो भी इंपॉर्टेंट काम है अब हमने वो करना है जी। इधर देखें ग्राफ पहले बनाते हैं, इधर देखें आपने मुझे बताया था ना आपने कहां कहां इसको टिक करना है जी, ये देखो वाई एक्स की वैल्यू नेगेटिव किया तो हमें एक्स नेगेटिव में जाना पड़ेगा, वाई भी नेगेटिव में है तो वाई भी नेगेटिव में जाना पड़ेगा, तो हमें खुद अंदाजा करना है कि एक्स नेगेटिव में हम कहां तक जाएंगे। जब आप एक्स नेगेटिव में है तो हम नेगेटिव तक जाएंगे, तो एक्स नेगेटिव तो रखूंगा मैं, वाई भी नेगेटिव तो रखूंगा। इधर देखें आप, तो इधर देखें ग्राफ हम इधर बना लेते हैं जहां एक्स नेगेटिव तक भी जाना है हमने, और y को भी नेगेटिव तक लेकर जाना है। इधर देखें नेगेटिव भी है y, पॉजिटिव भी है, x पॉजिटिव x नेगेटिव, y पॉजिटिव y नेगेटिव, ये आएगा माइनस वन, ये आएगा माइनस टू, ये आएगा माइनस थ्री, ये आएगा माइनस फोर, ये आएगा माइनस फाइव, यह आएगा माइनस सिक्स, यह आएगा माइनस सेवन, यहां इधर आएगा माइनस एट, यह आएगा। तो इधर देखें अब आपके पास यहां जो वैल्यूज है जी, तो ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव कितना है जी, वाई माइनस वन, वाई माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, x पॉजिटिव वन टू थ्री फोर, ये आ गया जी। पहला पहला पॉइंट कितना है, माइनस एट जीरो, माइनस एट जीरो इधर होता है, दूसरा पॉइंट कितना, माइनस एट जीरो, तो ये है जीरो फोर, जीरो फोर ये बाइक की वैल्यू इधर होता है, जीरो फोर इधर होगा। तो इधर देखो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ये आ गया। अच्छा ये है फोर जीरो, फोर जीरो किधर होता है, इधर होता है, जीरो माइनस फोर किधर होता है, जीरो माइनस फोर इधर होता है। तो इधर देखें जी, तो ये वाली वैल्यू भी इधर आ गई, ये देखो जी। अब बेटा मेरे पास में ग्राफ की सिचुएशन जो है ना वो इस तरह की है कि इन्होंने आगे जाके इंटरसेक्ट हो जाना है। इधर देखें जब इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करते जाएंगे, इसको ऐसे ड्रॉ करते जाएंगे तो ये आगे जाके क्या हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे। तो अगर हम इसको बहुत शॉर्ट से बना लेते हैं, दोबारा बना लेते हैं, इसमें ये होगा कि ताकि कॉन्सेप्ट ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे आपके, वो ये है, ये देखें पॉइंट्स ऑफ ग्राफ तो ये वाले हैं जी। हम इसको बहुत छोटा छोटा करके बना लेते हैं, इधर देखें बहुत स्मॉल सा, ताकि आगे जाके ये मैच भी हो जाए। इधर देखें जी, यहां देखें माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन, माइनस एट, यहां है आपके पास एक्स पॉजिटिव का वन टू थ्री फोर, वाई यहां पॉजिटिव का
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या वाई नेगेटिव का 1, 2, 3, 4, 5। तो आगे आपके पास पहले पहला पॉइंट कितना है जी, पहला पहला पॉइंट है -8, 0, -8, 0 इधर होता है, दूसरा है 0, 4 वो इधर होता है जी, इधर देखो यहां कौन सा है जी, वो है 4, 0, 4, 0 इधर होता है, 0, -4 इधर होता है, ये देखो जी, ये देखो मैंने क्या बोला था, इन्होंने आगे जाके मिल जाना है। एक और कंडीशन भी सवाल में लिखी हुई थी, वो कंडीशन ये थी, इधर देखें यहां क्या लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, x भी पॉजिटिव हो y भी पॉजिटिव हो, x भी पॉजिटिव कहां होता है वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, y भी पॉजिटिव कहां होता है वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, मतलब ये दोनों पॉजिटिव कहां कहां होते हैं, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, आप खुद देखते हैं कि x पॉजिटिव और y पॉजिटिव कहां कहां होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, ये आपको भी पता है। तो इसका ग्राफ भी इनवर्ट आना है, इसका ग्राफ भी इनवर्ट आना है, इसका भी इनवर्ट है, इसका भी इनवर्ट है, इसका इनवर्ट इधर होगा, उसका इनवर्ट इनवर्ट इधर होगा। तो बेटा रिक्वायर्ड ग्राफ कौन सा है, अगर इसको आप शेड करें तो ये है रिक्वायर्ड ग्राफ आपका, ये देखें ये रिक्वायर्ड ग्राफ है, ये वाला आपका जो एरिया मैं शेड कर रहा हूं ना, ये वाला है रिक्वायर्ड ग्राफ, इधर देखें ये वाला, ये रिक्वायर्ड ग्राफ आ गया। जो अब मैंने इस चीज समझानी है वो ये है, ये कौन सी इनइक्वालिटी थी, ये इनइक्वालिटी नंबर वन थी, ये इनइक्वालिटी नंबर वन थी, ये इनइक्वालिटी कौन सी थी, ये इनइक्वालिटी नंबर टू थी, तो ग्राफ बन गया हमारे पास, क्योंकि ये इसका इनवर्ट इधर होता है, इसका इनवर्ट इधर होता है, इसका इनवर्ट इधर, इसका इनवर्ट इधर, और ये क्वाड्रेंट कौन से वाला है, फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट है जी। जब यहां तक हम पहुंच गए हैं, अब हमने आगे करना क्या था इसमें, ये देखो जी आगे वाला पॉइंट ये है जी, इसमें जो हमने आगे करना है वो ये है, इधर इधर से हम देखेंगे जी, अब आप यहां लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड ग्राफ इज शेडेड कर दिया, रिक्वायर्ड ग्राफ को शेड कर दिया, किस शक्ल में शेड कर दिया, ऐसे शेड कर दिया। अच्छा हमें ना कॉर्नर पॉइंट की तरफ आना है, जो बासित आपने 5.1 में जो पढ़ा था उसमें कॉर्नर पॉइंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, यहां 5.2 में जो मैंने बताया था वो है कॉर्नर पॉइंट। अब हमने कॉर्नर पॉइंट पढ़ने हैं, वो कौन से हैं, कॉर्नर पॉइंट जहां आपका ग्राफ बनता है, ग्राफ कहां का बना, इधर देखो जी ग्राफ बना, ये है 4, 0, ये है 0, 4, एक ये वाला पॉइंट इधर, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये देखें ये वाला, ये आपके पास कॉर्नर पॉइंट है, ये ग्राफ का ग्राफ, और एक और पॉइंट कौन सा, ये वाला एक, ये वाला एक, ये वाला, चार पॉइंट आपके पास आगे कॉर्नर पॉइंट, तीन तो हमें पता है ये 0, 0 वाले हैं, ये 0, 0, ये 1, 2, 3 तो हमें पता चल गए हैं, हमें फोर्थ फाइंड आउट करना है, फोर्थ फाइंड आउट कैसे करेंगे, अब हम फोर्थ फाइंड 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, 1 और 2 इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, ये देखेंगे ये इक्वेशन हमने बनाई थी, इनकी इक्वेशन ये है इक्वेशन, इधर देखें ये इक्वेशन है जिनसे हमने ग्राफ बनाए थे, हम इनको करते हैं सॉल्व, हमने एडिंग कर लेते हैं, एडिंग 3 और 4, इधर देखो जी एडिंग 3 और 4, जब 3 और 4 को सॉल्व करेंगे 2y-x = 8, x-y = 4, तो देखो ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है, तो 2y में से y गया, ये आएगा 12, ये y के लिए 12 आ गई है, जब y के लिए 12 आ गई है, जब y के लिए 12 आ गई है, आपने पता करना क्या, y के लिए 12 in 4, तो जब x-12 = 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 + 12, तो x की वैल्यू आएगी 16, ये वो पॉइंट आ गया है इसका बेटा, ये वो पॉइंट आ गया इसका, ये देखो ये वाला,
ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का नाम आपके पास आ गया 16 और ये 12 आ गया। ये पॉइंट हमने सॉल्व कर लिया है, ये पॉइंट हमने सॉल्व कर लिया है। अच्छा, तो अब आपने करना ये है इसके कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं ग्राफ के। हेंस कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ ग्राफ आर, ग्राफ ऑफ ग्राफ आर कौन कौन से हैं, 0 0, 4 0, 0 4 एंड 16 12, ये कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट वो होते हैं जिन पे ग्राफ बनता है, एक्स्ट्रा पॉइंट लिखने ही नहीं है, ग्राफ हमारा इसी के गिर्द राउंड राउंड हो रहा है। तो ये कॉर्नर पॉइंट आपके पास आ गए। अब कॉर्नर पॉइंट भी आपने फाइंड आउट कर लिए, तो 5.2 हमारी कॉर्नर पॉइंट तक थी। आगे चलते हैं। अब हमने एक और चीज पढ़ी थी, वो आपने इधर देखा जी, इधर देखें, यहाँ उसने एक और चीज बताई थी जिस इक्वेशन को हमने सॉल्व नहीं किया था, वो ये था जी, मैक्सिमाइज अ फंक्शन 2x + 5y। अब आप क्या करो, तो आपके पास यहाँ आएगा पॉइंट्स, ये आएगा फंक्शन, जो वो है फंक्शन यही था 2x + 5y। तो इधर देखो भी 0 0 के अलावा बाकी सारे पॉइंट इसमें डाल दें, 0 0 के अलावा बाकी सारे पॉइंट इसमें डाल दें, 0 0 के अलावा 4 0, 0 4, 16 12, ये देखो जी 3 पॉइंट इसमें डाले, इसमें डाले 3 पॉइंट, 2 × 4 + 5 × 0, 2 × 0 + 5 × 4, 2 × 16 + 5 × 12, तो ये इसका आंसर आगे पास आएगा 8 + 0, तो इसका आंसर आएगा 8, इसका आंसर आगे पास आएगा 0 + 20, तो ये आगे पास आएगा 20, तो इसका आंसर आएगा 32 + 60, तो आगे पास आएगा 92, ये इसका आंसर आएगा। उसने पूछा क्या है, मैक्सिमम, हेंस इधर देखो जी, मैक्सिमम पॉइंट इज, ये नहीं लिखना, ये लिखना है जिसकी वजह से आंसर सबसे ज्यादा आया वो लिखना है, वो है 16 और 12, ये 16 और 12 आ गया, 16 और 12 आपके पास जो आया वो मैक्सिमम पॉइंट आया है जी। हाँ जी, कोई क्वेश्चन आने मुझसे पूछना है तो यहां से पूछ सकते हैं सारे स्टूडेंट्स। सुभान अब्दुल्ला, मलिक बासित, फरान हैदर, मलिक बासित अब बताएं, कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओके, अब मैं आगे पढ़ा रहा हूं, इसका क्वेश्चन 4 मैंने पढ़ाना है आज, इसी का क्वेश्चन 4 पढ़ाना है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कई बार एनुअल पेपर के लिहाज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सिलेबस जरा देखें जी, बुक से देखें, क्वेश्चन 4 लिख रहे हैं अब हम, क्वेश्चन 4 है जी, आगे पास लिखा हुआ है मिनिमाइज z is equal to 2x + y, और आगे लिखा हुआ है लेट गिवन इनइक्वालिटीज आर, कौन कौन सी है जी, x + y > 3, 7x + 5y < 35, और है x > 0 y > 0, ये वाली वैल्यू कितनी है 1, ये वाली वैल्यू कितनी है 2, ये आ गया। अब हम इस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जी, इस पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जी, सबसे पहले इनइक्वालिटीज आ गई ना, अब आपने क्या करना है, यहां लिखना है एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज
आर एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री, सेवन एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू 35, ये क्वेश्चन नंबर थ्री, ये क्वेश्चन नंबर फोर आ गया। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इज इक्वल टू जीरो, तो जब वाई जीरो पुट करेंगे तो यहां आपके पास आ गया एक्स की वैल्यू थ्री। फॉर वाई इंटरसेप्ट, जब वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे पुट क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री, तो वाई कितना आएगा, थ्री आएगा। पॉइंट्स ऑफ ग्राफ ऑफ वन आर, पॉइंट्स ऑफ ग्राफ कौन कौन से हैं, थ्री जीरो जीरो थ्री, थ्री जीरो एंड जीरो थ्री आ गया। इसमें क्या होगा, इसमें होगा फॉर, इसमें वही काम, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट क्या करेंगे, वाई की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे। जब y जीरो पुट करेंगे तो यहाँ आपके पास आएगा जीरो इज इक्वल 35, सेवन एक्स इज इक्वल 35, x की वैल्यू आएगी 5। फॉर y इंटरसेप्ट पुट क्या करेंगे, x की वैल्यू आपके पास आएगी जीरो, तो यहाँ के पास आएगा जीरो प्लस फाइव वाई इज इक्वल 35, फाइव वाई इज इक्वल 35, y की वैल्यू क्या आएगी 7। तो यहां के पास आएगा पॉइंट्स ऑफ ग्राफ ऑफ टू आर, कौन कौन से ग्राफ के पॉइंट है जी, फाइव जीरो एंड जीरो सेवन, ये आपके पास फाइव जीरो एंड जीरो सेवन। अब बेटा हमने क्या करना है इसमें, अब हमने ये भी चेक करना है कि इनवर्ड है या आउटवर्ड है। ये आ गया, इधर ही आ गया, इनवर्ड है या आउटवर्ड है, इधर देखें जी। व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू जीरो इन वन, व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड वाई इज इक्वल टू जीरो इन वन, वन टू, जब इसमें जीरो पुट करेंगे जीरो प्लस जीरो ग्रेटर देन थ्री, जीरो ग्रेटर देन थ्री होता है, नहीं होता, हेंस ग्राफ ऑफ वन इज आउटवर्ड द ओरिजिन, ये आउटवर्ड द ओरिजिन होता है। जब इसमें पुट करेंगे सेवन इंटू जीरो प्लस फाइव इंटू जीरो लेस देन 35, जीरो लेस देन 35, हेंस ग्राफ ऑफ टू इज जीरो लेस देन 35 होता है, इनवर्ड द ओरिजिन, इसे बोला जाता है इनवर्ट द ओरिजिन। पहले का ग्राफ जो होता है वो होता है आउटवर्ड, दूसरे का होता है इनवर्ट। अब हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बना के तभी क्लियर होगा इसका कॉन्सेप्ट, ये वाला मेरा पॉइंट इसके कौन से हैं जी, ये वाले पॉइंट है जी, ये वाले ये पॉइंट है जी, पहली लाइन के ये पॉइंट हैं, दूसरी के ये हैं, तो इधर देखते हैं हम, यहां अब ग्राफ बना लेते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, यह आएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, यहाँ के पास आएगा वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। पहला पहला पॉइंट क्या, थ्री जीरो, थ्री जीरो इधर होता है, दूसरा जीरो थ्री, इनका से शेड कर दें, ऐसे ड्रॉ कर दें, दूसरा क्या, फाइव जीरो, फाइव जीरो इधर होता है, सेवन जीरो इधर होता है, जीरो सेवन, इनको ऐसे ड्रॉ कर दें,
ये आपके पास वन, ये वन आ गया, ये आपके पास आ गया टू, इधर टू आ गया, वन और टू आ गया। इसका ग्राफ आउटवर्ड होगा बाहर, इसका इनवर्ड होगा, इसका बाहर होगा उसका अंदर होगा। तो रिक्वायर्ड ग्राफ बनेगा कौन सा, वो ये वाला होगा, देखना। वही होगा, यहां लिख दें जी, हैंस इधर लिखें जी, ग्राफ बन गया, हैंस इधर लिखो जी, रिक्वायर्ड ग्राफ इज शेडेड, शेड हो गया जी, कौन कौन से पॉइंट पर, कैसे शेड हुआ, यस सर, एंड कॉर्नर पॉइंट इज, कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट हैं, 0, 3, 3, 0, 5, 0 and 0, 7, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, फोर्थ ये, इसे बोला जाता है 5, 0, इसे बोला जाता है 3, 0, इसे बोला जाता है 0, 3, इसे बोला जाता है 0, 7, 3, 0, 5, 0, 0, 3, 0, 7 आ गया, ये आगे बस आ जाता है, कॉर्नर पॉइंट आ गए। अब आपने इनका क्या करना है, अब आपने इनको फंक्शन में पुट करना है, फंक्शन कौन कौन से, फंक्शन ये वाला, ये जो उसने बताया था मिनिमाइज है यानी मैक्सिमाइज, ये देखें, ये उसने बताया था आपको, ये मिनिमाइज है या मैक्सिमाइज, उसने आपको ये पहले बता दिया था। तो अब इसकी मैं टेबल बना लेता हूं, इधर देखें पॉइंट्स और फंक्शन, z इज इक्वल टू 2x प्लस y, पॉइंट कितना है 0, 3, 3, 0, 5, 0, 0, 7, z इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3, ये 3 आ गया, z इज इक्वल टू 2 into 3 plus 0, ये 6 आ गया, z इज इक्वल टू 2 into 5 plus 0, ये 10 आ गया, z इज इक्वल टू 2 into 0 plus 7, ये 7। बेटा पहले हमने क्या करना है इसमें, ये जो वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, ये देखो 0 यहाँ 3 आ गया, 3 यहाँ 0, इसी में पुट करना है, इसमें x 0 आएगा, y भी आएगा, 3, 0, 6 आ गया, ये 5, 10 आ गया, ये 7 आ गया, हैंस इधर देखें मिनिमम पॉइंट क्या होगा, मिनिमम पॉइंट इसमें ये वाला है, मैक्सिमम ये वाला है, उसने मिनिमम पूछा है तो ये बता दो, अगर वो मैक्सिमम पूछेगा तो 5, 0 है, मिनिमम पूछे तो 0, 3 है, मिनिमम कौन सा है 0, 3, मैक्सिमम कौन सा है 5, 0। बेटा ये आपका एंड हो गया, इसका ये टॉपिक एंड हो गया, ये वाला, इसमें से कोई सवाल मुझसे पूछना चाहे पूछ सकते हैं, सुभान अब्दुल्ला, अफरान, हैदर, आपका चैप्टर 5.3 भी एंड हो गया, चैप्टर 5 एंड हो गया।